लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है, सीएसएस पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई? सीएसएस पढ़नी है। ठीक है, पीछे दोनों स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही, और यहाँ पर हो रही है। ठीक है, पीछे आप दोनों हो रही होंगी, सही। अब करना ये है कि सीएसएस पढ़नी है। सीएसएस की फुल फॉर्म तो आप सबको पता है कि भाई क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट या कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो भी आप कह लो। ठीक है, इससे ये भी पता है आप सबको कि होता क्या है कि वेबसाइट के अंदर अगर हमें कोई भी कलरिंग का काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, सीएसएस को यूज करते हैं। आपको पहले दिन ही हमने बता दिया था कि सबसे पहले वेबसाइट का क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा ही है। फिर जब एक मरतबा हम अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई, डिजाइनिंग करना शुरू कर देते हैं, सही है। अच्छा, सीएसएस को लगाने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं भाई? आवाज नहीं आ रही है। तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा तरीका होता है इंटरनल सीएसएस, और तीसरा तरीका क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस। पहला क्या बताया मैंने, इनलाइन सीएसएस। दूसरा क्या बताया, और तीसरा क्या बताया, ठीक है। अच्छा, अब देखते ये है कि ये तीन सीएसएस क्यों बनी है। काम तो एक सीएसएस से भी हो सकता था, ये तीन बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, देखो बात करते हैं सबसे पहले इनलाइन सीएसएस की। इनलाइन सीएसएस नाम से ही वाजे हो रहा है कि भाई एक लाइन के अंदर सीएसएस, मतलब वो सीएसएस जो कि इनलाइन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनलाइन सीएसएस। अब बात ऐसी है कि लेट सपोज, सुनो मेरी बात गौर से, लेट सपोज हमारे पास एक एच वन है, उसके अंदर लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, बात समझ आ रही है, बोलो। हेलो वर्ल्ड का मुझे कलर जो है वो ब्लू करना था, तो मैं क्या करा, एच वन के अंदर आया, एट्रीब्यूट लगाया स्टाइल का, क्या लगाया भाई, स्टाइल का, आवाज नहीं आ रही है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, फिर एक प्रॉपर्टी बनाई, कौन सी, बैकग्राउंड कलर की या फॉन्ट कलर की, सिर्फ कलर की, फॉन्ट कलर नहीं होता यहाँ पे, और उसका कलर क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, बात समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लग रहा है, ठीक है, जब एक मरतबा एट्रीब्यूट लग गया स्टाइल का, तो उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो कि भाई आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है, या आपको कलर लगाना है, या आपको फॉन्ट साइज अप्लाई करना है, फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। लेकिन इन तमाम प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ता है, यूज करने के लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट लगाना जरूरी होता है, स्टाइल का, और स्टाइल का एट्रीब्यूट अगर टैग के अंदर लग जाए तो वो क्या कहलाई जाती है, इनलाइन सीएसएस। बात समझ आ रही है। एक हेडिंग को करना था, मैंने उसका कलर ब्लू कर दिया, अब मेरे पास दूसरी हेडिंग है, उस पर लिखा हुआ हेलो पाकिस्तान, मैं क्या करूंगा, उस H1 के अंदर जाऊंगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊंगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और फिर कलर अप्लाई कर दूंगा। एक दो तीन चार पांच की बात समझ आ रही है, पांच H1 थे, इस तरीके से काम कर लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 5000 H1 थे, तो अब यह बात समझ नहीं आ रही है कि अगर हमें 5000 H1 पे कलर अप्लाई करना होगा तो हमें 5000 मरतबा H1 के अंदर जाना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, नाना करते हुए भी 2 से 3 घंटे जाया सिर्फ कलर देने में H1 को। बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। इनलाइन सीएसएस यहाँ पे क्या होगा, ये फेल। बात समझ आई, क्यों, क्योंकि उसमें क्या लग रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था। सोल्यूशन आ गया इसका, क्या सोल्यूशन आया, सोल्यूशन ये आया इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस ने बोला वो जो H1 था, वो जो H1 इतने 5000 नीचे पड़े हुए थे, वो 5000 मरतबा लिखे हुए थे, ऊपर आओ हेड में, हेड में अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया था, सिर्फ टाइटल बना के छोड़ दिया था, ऐसा ही है ना, याद है सबको। उसने बोला इंटरनल सीएसएस ने, हेड में आओ, अब लगाओ स्टाइल का टैग। पहले स्टाइल का क्या लगा रहे थे,
आवाज नहीं आ रही है, एट्रीब्यूट लगा रहे थे। इंटरनल सीएसएस क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्टाइल का क्या लगा दो, टैग लगा दो। जब एक मरतबा स्टाइल का टैग लगा दिया, फिर वो जो नीचे एच वन था ना, टैग में था, उसको ऊपर बुलाओ तो वो टैग नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टर आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो सिलेक्टर बन जाएगा, मतलब उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है नहीं? तो जब ऊपर एच वन लिखेंगे हेड के अंदर, तो टैग की सूरत में नहीं लिखेंगे, सिंपल ऐसे ही एच वन डाल देंगे। बात समझ आ रही है नहीं? और उसका कलर हमने चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर या कलर जो भी आपको अप्लाई करना था। अब वो एक हो या वो दस हो या वो 5,000 हो या वो 5,00,000 हो, index.html के फाइल के अंदर जितने भी होंगे सारे के सारे एच वन क्या हो जाएंगे, उनका कलर चेंज हो जाएगा। काम आसान हो गया या नहीं हो गया? ठीक है। लेकिन अब यहां पर भी मसला आ गया। मसला क्या आया? मसला ये आया कि जब भी एक वेबसाइट बनती है तो उसके मल्टीपल पेजेस होते हैं, एक पेज में तो बनती नहीं है ना, मल्टीपल पेजेस होते हैं उसके। और मल्टीपल पेजेस अगर होंगे तो थीम जो है वेबसाइट की तकरीबन एक ही होती है। कि अगर index.html वाले पेज पे तमाम हेडिंग का कलर ब्लू है, तो साइन अप और साइन इन वाले पेज में जो हेडिंग्स है उनका भी कलर क्या होगा, ब्लू ही होगा। लेकिन index.html के अंदर आके हेड के अंदर मैंने क्या किया था, स्टाइल का टैग लगाया था, तो उसका स्कोप कहां तक का होगा, सिर्फ index.html तक का होगा। अगर मैं welcome.html पे जाता हूं तो क्या वो स्टाइलिंग नजर आएगी, नहीं आएगी? कौन बोल रहा है, क्यों आए? दूसरा पेज बनाएंगे, लेकिन वही बात आ जाएगी ना कि अलग से स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी उसके ऊपर भी। जो काम हमने एक फाइल में किया था उसी काम को दोबारा करना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। फिर लेट्स सपोज हमारे पास 10 से 15 पेजेस हैं, हर 10 से 15 पेजेस के अंदर जाके बार बार वही एचएल के ऊपर काम करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है या नहीं? काम हो गया ये भी लंबा, ये भी तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। तीसरा तरीका है, तीसरे तरीके ने बोला कि ना तुम स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ ना तुम स्टाइल का टैग लगाओ, अब तुम स्टाइल की फाइल बना दो। इस तरीके से index.html की फाइल बनती थी ना। तीसरे तरीके एक्सटर्नल सीएसएस ने बोला कि तुम स्टाइल की फाइल बना दो style.css के नाम से। बात समझ आई? अब जितनी भी तुम्हें कलरिंग वगैरह करनी है, जितनी भी तुम्हें सीएसएस की कोडिंग करनी है, तुम क्या करो, उसी फाइल के अंदर करो, style.css के अंदर भर दो उस पेज को। बात समझ आ रही है या नहीं? अब जब मैंने style.css को भर दिया तो मुझे पूछना ये है कि क्या वो इंडेक्स पे अप्लाई होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने style.css बना तो ली है, लेकिन style.css की कलरिंग जिसके ऊपर आपको अप्लाई करनी थी, जिस फाइल पे आपको अप्लाई करनी थी, आपने उसका लिंक तो लगाया नहीं। बात समझ आई या नहीं? मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों को 20-30% बात समझ आ रही है, 70% बात समझ नहीं आ रही। ऐसा है ना? सिर्फ अभी इतना ही करना है कि 20-30% बात समझनी है, 100% प्रैक्टिकल वर्क के साथ आएगी। बात समझ आ रही? सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी मैं। तीन इन लाइन में क्या हो रहा था, स्टाइल का एट्रीब्यूट लग रहा था, इंटरनल में क्या हो रहा था, टैग लग रहा था, एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, इन लाइन क्यों फेल हुई थी, क्योंकि उसमें हर जगह हर टैग में जाके अलग से स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ी थी। इंटरनल क्यों फेल हुई थी, क्योंकि हर पेज के अंदर जाके अलग अलग स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी। तो अब एक्सटर्नल आ गई, एक्सटर्नल ने बोला सेम कलरिंग जितने भी एच वन होंगे एक पेज पे करो, हर पेज पे अप्लाई हो जाएगी। कैसे? एक लाइन का कोड लिखना है, लिंक का, लिंक करना है बस। index.html में चाहिए style.css, लिंक कर दो। वेलकम पे चाहिए पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल एक लाइन लिखो लिंक की, हो गया काम। 10 पेजेस है, 100 पेजेस है, 1000 पेजेस है, एक लाइन लिखो लिंक की, वो जो style.css में काम किया हुआ सब पे अप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्या है, क्या लग रहा है स्टैंडर्ड क्या होगा? एक्सटर्नल सीएसएस। काम तीनों से हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है स्टैंडर्ड क्या है, और आप लोग भी क्या काम करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। अच्छा, अब 30% आपको बात क्लियर है, 70% बात क्लियर नहीं है।
अब एक काम ये करते हैं कि विजुअल कोड स्टूडियो पे जाते हैं, आपके सामने मैंने एक फोल्डर बनाया था index.html का क्लास वन के अंदर, ठीक है। और यहां पे आके मैंने पहली वाली बात करता हूं मैं कि मैंने यहां पे h1 लगाया, स्क्रीन नजर आ रही है सबको, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, बात समझ आई। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूं तो भाई इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला इसका कलर के क्या करना है, चेंज करना है। यहां पे आओ, स्टाइल का क्या लगा दोगे बोलो। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया। जैसे ही मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, काफी सारी प्रॉपर्टीज आती हुई नजर आ गई आपको, बोलो, ठीक है। अब इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर। क्या नाम है भाई? बैकग्राउंड कलर एचटीएमएल में लगाते थे तो कैसे लगाते थे, आवाजें नहीं आ रही है, बीजी कलर। लेकिन अब स्टैंडर्ड सीएसएस पे लगाएंगे तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे मैंने लिखा BACK, क्या लिखा हुआ नजर आ गया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इसने मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया कि भाई आपके पास ये कलर्स हैं, क्या बात समझ आ रही है या नहीं। मैंने इसको बोला कि आपके पास रेड कलर है, RE लिखा मैंने, उसने बोला हाँ मेरे पास रेड कलर है। नीचे आके मैंने रेड को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो स्टाइल का एट्रीब्यूट तो है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगी हुई है बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, कॉलन आ रहा है। क्या मतलब, की और वैल्यू। बताया था पहले भी शायद मैंने आप लोगों को, बताया था नहीं बताया था। देखो दो चीजें होती है, एक होता है की और दूसरा क्या होता है, वैल्यू। अब इसमें की और वैल्यू क्या नजर आ रही है, ये जो बैकग्राउंड कलर है ये क्या है, एक की है, और इसकी वैल्यू क्या है, रेड। ये बात समझ आ रही है या नहीं। एट्रीब्यूट एक लगा है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज की और वैल्यू की सूरत में लगती है। की के बाद क्या लगाना जरूरी है, कॉलन। इसकी सजेशंस पे अमल करते रहोगे तो ना कॉलन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना सेमी कॉलन लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर इसकी सजेशन पे अमल नहीं करोगे तो खुद लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड डैश कलर, फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद रेड, और फिर रेड के बाद क्या नजर आ रहे, सेमी कॉलन नजर आ रहे। सेमी कॉलन का मतलब किस किस को पता है, क्या होता है सेमी कॉलन का मतलब, होता है टर्मिनेटर। क्या होता है भाई, टर्मिनेट कर देना मतलब खत्म कर देना। एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अब उस प्रॉपर्टी को क्या करना है, खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, ताकि कोई दूसरी प्रॉपर्टी आ सके। अगर हमें 2 से 3 प्रॉपर्टीज लगानी है तो हमें हर प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है, हो सकता है आप लोगों ने किसी ने पढ़ी हो, सी पढ़ी हो, सी शार्प वगैरह पढ़ी हो, उसके अंदर होता यह है कि जब भी एक लाइन आपका एक लाइन कोड करते हो आप, तो दूसरी लाइन पे आप कोड नहीं कर सकते जब तक आप पहली वाली लाइन के आखिर में सेमीकोलन ना लगा दो। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते ना तो वो आपको एरर देता है, आज समझ आ रही है या नहीं। तो सेम चीज वो भी यहां पर अप्लाई हो रही है कि अगर आप 2 या 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाह रहे हो विदाउट सेमीकोलन तो ये आपको देगा एरर, एरर देगा तो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, आखिर में क्या लगा दो, सेमीकोलन, ड्रेड के बाद लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको सेमीकोलन। अगर मैं इसको करता हूं रिफ्रेश तो यहां पर देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया भाई, रेड हो गया। अब रेड के अंदर एक ब्लैक कलर का फॉन्ट कलर, तो ये रेड के ऊपर जच नहीं रहा, लेकिन रेड को मैं बोलूं कि भाई रेड के अंदर अगर व्हाइट कलर हो तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा, कंट्रास्ट अच्छी आएगी उसकी, ऐसा है या नहीं। अब बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन अब चेंज क्या करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है। तो अब प्रॉपर्टी जो है वो फॉन्ट कलर की नहीं लगेगी, बल्कि क्या लगेगी, कलर की लगेगी। क्या लगेगी भाई, बोलो, कलर की लगेगी। तो क्या मैं सेमीकोलन से पहले अपने प्रॉपर्टी लगा दूं कलर की, कहां लगाऊंगा, सेमीकोलन के बाद। यहां पे मैंने लिखा COLOR, आ गई सजेशन, सजेशन आ रही है इसका मतलब काम सही कर रहा हूं, सजेशन नहीं आ रही है इसका मतलब बंड मार रहा हूं, बात समझ आ रही है। कलर लिखा, जैसे ही कलर लिखा आगे हुई दोबारा सजेशन, मैं मुझे क्या करना था इसके अंदर से, व्हाइट, मैंने लिखा WHI, आ गया नजर व्हाइट के ऊपर, क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया।
रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बैकग्राउंड कलर हट जाएगा या नहीं। आवाज नहीं आ रही है। और व्हाइट कलर अप्लाई हो जाएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं? आसान लगा या मुश्किल? अब आप ये देख सकते हो कि मैंने एक लाइन मतलब एक हेलो वर्ल्ड को मुझे स्टाइल करना था तो मैंने कितना टाइम लगा दिया इसमें। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा नीचे आओ और यहाँ पे मेरे पास एक और H1 लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो पाकिस्तान। बात समझ आ रही है? अब बताओ इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है क्या करूंगा? सबसे पहले एक आवाज में ओके बोलो, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया, फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर लगा दिया, ऐसे ही है। बैकग्राउंड कलर हमने उसको दे दिया भाई ब्लू कलर हो जाओ आप। इसके बाद क्या करना है? कलर देना है। कैसे कलर देंगे? कॉलन के बाद आएंगे और यहाँ पे COLOR कलर, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई ब्लू के ऊपर क्या सही रहेगा? हमने बोल दिया भाई लेट सपोज येलो। रिफ्रेश करके देखा तो ये ऐसा हो गया। अब मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास H1 एक और लिखा हुआ था जिसके अंदर लिखा हुआ था हेलो साथ, ठीक है। इसको कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, लेट सपोज 1000 मरतबा आया भाई। रिफ्रेश करके देखूंगा मुझे 1000 मरतबा इतना सारा कोड करना पड़ेगा। हो गया ये तरीका फेल। अब मैंने क्या किया, इन दोनों लाइंस को कमेंट कर दिया। अब ये चीज है जो चीज है हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूं कि कोड इतना सा करूं हर किसी पे अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे CSS कौन सी लगती है? जा रही है इंटरनल। कौन सी जा रही है भाई? इंटरनल लगेगी कहाँ पे? हेड के अंदर। तो मैं टाइटल से पहले लगा दू या टाइटल के बाद लगा दू मसला नहीं है, बस हेड के अंदर लगा दू। बात समझ आ रही है? क्या लगेगा स्टाइल का एट्रीब्यूट? क्या लगेगा? टैग लगेगा, STYLE टैग बन गया ये। मैंने क्या बोला था, नीचे H1 पड़ा हुआ तो वो टैग है, लेकिन नीचे से H1 ऊपर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सेलेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे मैंने लिखा H1, क्या मैंने उसको टैग के अंदर लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा H1। आपने एक मरतब ऐसे लिख लिया, उसके बाद आप लगा दो कर्ली ब्रैकेट। क्या लगा दो भाई? कर्ली ब्रैकेट के अंदर आके अब आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो। मैंने उसको बोला कि भाई आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए येलो। बात समझ आ रही है नहीं? अब ये आगे सेमीकोलन, दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। नीचे आगे मैंने लिखा कलर जो है वो आपका क्या हो जाए? रेड हो जाए। क्या हो जाए भाई? रेड हो जाए। यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया। दो प्रॉपर्टीज नजर आ रही है बस। अब बताओ हर H1 पे कहीं अप्लाई होगा या नहीं होगा? ये रिफ्रेश करके देखते हैं हर H1 पे अप्लाई होगा। अब वो जो 30% कॉन्सेप्ट था वो मुझे 60% पे आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा है या नहीं? 40% बाकी है। करते हैं बात इसकी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? अभी आता हूँ उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद, एक्सटर्नल पढ़ाने के बाद इसी चीज पे आता हूँ। बोलो क्लियर है? अब एक बात करते हैं कि मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे जाके एक फाइल और बना ली और जिसका नाम रख दिया मैंने welcome.html। यहाँ पे गया मैं और इसके अंदर जाके मैंने बोला कि भाई आपके पास H1 होंगे और जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो, इसी को कॉपी पेस्ट 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 कर दो। इसे index.html पे जाओ, हेलो के नीचे आखिर में एक एंकर का टैग बना हुआ होगा जहां पे लिखा हुआ होगा वेलकम पेज। ये सारी चीजें पुरानी रिवाइज कराते हुए जा रहा हूं मैं अभी। बात समझ आ रही है? अच्छा हमने बोला href के अंदर जाओ और यहाँ पे क्या करो, करंट डायरेक्टरी पे जाना है, फॉरवर्ड पे जाना है, बैकवर्ड पे जाना है। करंट पे जाने के लिए क्या करते थे? .slash लगा दिया, मिल गया welcome.html, ठीक है। यहाँ पे जाके देखा मैंने, इसको रिफ्रेश करके देखा, आखिर में मुझे लिंक मिल गई है वेलकम पेज की। वेलकम पेज पे जाऊंगा तो वहां पे हेलो के नाम से 4 या 5 हेडिंग्स बनी हुई नजर आ रही है मुझे। इस पेज पे हूँ, स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। उस पेज पे जाऊंगा, ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी उन H1 पे या नहीं होगी? नहीं होगी। ये देखो वेलकम पेज पे गया और यहाँ पे हेलो सारे क्या पड़े हुए, खाली पड़े हुए। बात समझ आई? इसका मतलब जो एक स्कोप था किसका, इंटरनल CSS का, वो कहां तक का था? सिर्फ और सिर्फ index.html का था। बात समझ आई? ठीक है, अब यही चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टाइल के टैग को कॉपी करना पड़ेगा और कॉपी करने के बाद वहां पे आके पेस्ट करना पड़ेगा। फिर चल जाएगा नहीं चलेगा? बोलो चल जाएगा। लेकिन ये तरीका नहीं करना, मैंने इसको भी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। बात समझ आई? ठीक है, इसको बैक करता हूं।
बैक करने के बाद में इसको रिफ्रेश करके देख, सब क्लियर हो गया, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब तीसरा तरीका क्या बोला था, ना स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाओ, ना स्टाइल का टैग बनाओ, बल्कि क्या बनाओ, स्टाइल की फाइल बनाओ। क्लास वन के अंदर आए, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे गए और नाम रख दिया स्टाइल डॉट सी एस एस, बोलो स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस की जब एक्सटेंशन लगाई तो राइट साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे आपको हैश बना हुआ नजर आ गया। ये क्या बता रहे, सी एस एस की फाइल हूं मैं, क्या बता रहे, ये सी एस एस की फाइल हूं मैं, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि मेरे पास HTML के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ था जिसका नाम था H1, वो चीज वहां पे थी तो वो टैग था, वो चीज जब यहां पे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अभी बताया था सिलेक्टर, ये बुला लिया H1 को मैंने, आज समझ आ रही है। अब क्या करना है, वही पुरानी बात की, कर्ली ब्रैकेट लगा दो। बैकग्राउंड कलर, मैंने उसको बोला कि भाई आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, पर्पल हो जाए, बाहर निकलो और आपका जो कलर है वो क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। बात समझ आ रही है या नहीं, रिफ्रेश करके देखूंगा हो जाएगा, कौन बोल रहा है हो जाएगा, नहीं होगा, रिफ्रेश करके देख रहे हैं नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने style.css की फाइल तो बना ली है लेकिन लिंक नहीं करा है। मैंने बोला ये वाली फाइल कहां पे जानी चाहिए, index.html के अंदर जाना चाहिए, टाइटल के बाद आओ, टाइटल के बाद आओ और यहाँ पे लिखो link, क्या लिखोगे, लिंक, लिंक में यहाँ पे CSS लिखा हुआ नजर आ रहा है कहीं, कहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, थर्ड पे, यहाँ पे आगे मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दिया, लिंक बन गई है। ये ओपनिंग क्लोजिंग है या सेल्फ क्लोजिंग है, क्या बोल रहे हो, सेल्फ क्लोजिंग है, ये चीज बता रहे रिलेशन स्टाइल शीट, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। एक शीट है जिसके ऊपर क्या करते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, इसका रिलेशन बता रहे हैं हम लोग, इस चीज के अंदर बस ये बात हो रही है कि हमारे पास एक शीट है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, ये इसका रिलेशन बताया हुआ है। आगे वाली चीज तो हलवा ही नजर आ रही है आपको, क्या ये HRF कहां पे पढ़ के आए थे, HRF आवाज ही नहीं आ रही है, एंकर के टैग में पढ़ते हुए आए थे, HRF का मतलब क्या था, हाइपर रेफरेंस, उसके अंदर क्या करते थे, लिंक पेस्ट करते थे, आईडी को कॉल करते थे, पेजेस को कॉल करते थे, तीन चीजें देखी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है, style.css लिखा हुआ है, करंट डायरेक्टरी पे पड़ा हुआ है style.css, इसने डॉट स्लैश नहीं दिया, इसने डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी पे पड़ा हुआ है लेकिन नहीं दिया। एक बात और पता लग रही है, अगर कोई चीज करंट डायरेक्टरी पे पड़ी हुई है तो उसको डॉट स्लैश देने की जरूरत नहीं है, बात समझ आ रही है, लेकिन अगर डॉट स्लैश दे भी दिया तब भी कोई मसला नहीं है। रिफ्रेश करके देखेंगे हो जाएगा नहीं होगा, बोलो, ये मैंने रिफ्रेश करके देखा, हो गया काम, आसान मुश्किल। बात करता हूँ वेलकम वाले पेज पे जाने की, जाऊंगा तो हो जाएगा नहीं होगा, बोलो, राइट क्लिक कर, क्लिक पे जाते नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा, लिंक लगानी पड़ेगी, कौन से पेज पे जाके, welcome.html पे जाके कहाँ लगाएंगे, बोलो, टाइटल के बाद link नजर आ रही है CSS, यहाँ पे जाके हमने क्या किया भाई, CSS लगा दी, हो जाएगा काम या नहीं होगा, क्या लगता है, नहीं होने वाले कितने हैं और होने वाले कितने हैं, होने वाले की तादाद हो गई है ज्यादा, रिफ्रेश करते हैं नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, S लगा दिया, जब S लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको styles.css नहीं मिल रही है, अगर मैं S हटा दूं अब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, रिफ्रेश करके देखते हैं, अप्लाई हो गया, क्या 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, आवाज नहीं आ रही है, CSS को लगाने के कितने तरीके होते हैं, पहले का नाम बताओ, दूसरे का नाम बताओ, तीसरे का नाम बताओ, इनलाइन कहाँ पे यूज करते हैं, टैग के अंदर स्टाइल का क्या लगाते हैं, एट्रीब्यूट लगाते हैं, फेल क्यों हुई थी, क्योंकि बार बार कोडिंग करनी पड़ रही थी, क्या सॉल्यूशन आया इसका, हेड के अंदर जाके क्या लगाते हैं, किसका,
फिर अगर नीचे एक चीज टैग में पड़ी हुई ऊपर जाके क्या हो जाएगी वो, बोलो सिलेक्टर हो जाएगी। एच वन को टारगेट कर लिया, उसके बाद कौन से ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बाद प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करते हैं, की और की क्या थी हमारे पास, वैल्यू क्या थी हमारे पास, सेपरेट कैसे करते थे, आवाज नहीं आ रही है, सेमी कोलन से करते, बात समझ आई, क्यों तरीका फेल हुआ था ये, क्योंकि हर पेज पे जाने के बाद कॉपी पेस्ट करके स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी। सॉल्यूशन क्या आया, बोलो क्या बनाया है अब हम लोगों ने, स्टाइल डॉट एक्सटर्नल फाइल बनाई, उसके अंदर जाके चीज पड़ी हुई थी टैग, वहां पे पहुंच गया तो क्या हो गया, बोलो सेलेक्टर हो गया, एक्शन को टारगेट कर लिया, उसके बाद कौन से ब्रैकेट लगाए, प्रॉपर्टीज लगा दी, काम आसान हो गया या नहीं, चीते हो गए, हो गए, बोलो बोलो हो गए। अगर अब चीते हो गए तो ये जो एंकर का टैग पड़ा हुआ है वेलकम पेज का, अगर मैं बोलूं कि इसका कलर पर्पल हो रहा है, इसका कलर उठा के रेड कर दो, कितने स्टूडेंट को खुद पे भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं, लाना तो सब पे ला, क्या कर रही है, मैंने बोला एंकर का जो टैग नीचे पड़ा हुआ है पर्पल कलर हुआ हुआ है या ब्लू कलर हुआ हुआ है, जो भी नजर आ रहा है आपको, सिर्फ इसका कलर उठा के रेड करने, अभी भी नहीं आ रहा, किस किस को आ रहा है, हाथ तो उठाओ, बाकियों को क्यों नहीं आ रहा, भाई देखो क्या करेंगे, एंकर का टैग पड़ा हुआ है, कहां पे पड़ा हुआ है, index.html के अंदर, जब हम लोगों ने h1 उठाया था तो हम h2 भी उठा सकते हैं, h3 भी उठा सकते हैं, h4 भी उठा सकते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे पास मौजूद ही नहीं है, पड़ा हुआ क्या है, एंकर पड़ा हुआ है, तो style.css में जाके सर में a को क्यों नहीं उठा सकता, क्यों नहीं उठा सकता, उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, उठा लिया, ये हमने बुला लिया इसको कर्ली ब्रैकेट को, हमने बोला कि सर आपका कलर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए, यहाँ पे हमने जाके क्या कर दिया भाई, ब्लू कर दिया, रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया या नहीं, नजर नहीं आया होगा, हमने बोला कि सर आपके जो कलर है वो ब्लैक कर दो, रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया या नहीं, सर इसके नीचे एक लाइन भी आ रही है, कौन सी आ रही है, अंडरलाइन आ रही है, इसको हटाना है, नहीं चाहिए, पसंद नहीं आ रही, लिंक ऐसी बनानी है जो कि बगैर लाइन क्या है, आ जाओ यहाँ पे आओ, एक प्रॉपर्टी लगाओ जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या नाम है भाई, टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको क्या कर दो, नन कर दो, क्या कर दो, नन कर दो, रिफ्रेश करके देखते हैं गायब हो गई, क्या ये बात समझ आई या नहीं भाई, नन नहीं चाहिए, हमने चाहिए डॉटेड लाइन चाहिए, डॉटेड, और तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ डॉटेड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, TTED, ये आ गया आपके भाई ने लगा दिया डॉटेड, रिफ्रेश करके देखा आया कुछ या नहीं आया, बोलो नहीं आया, इसका मतलब डॉटेड जो है वो क्या है, यहाँ पे फेल है, अगर यहाँ पे हम लिखे हैं डैश यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं होगा नहीं होगा, एंकर के नीचे ये सारी चीजें नहीं चल सकती, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नन चलेगा, नन के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। क्लास वन पे जाओ अपनी HTML की CV बनाने के लिए दी थी, उस CV को उठाओ और उसके ऊपर कलरिंग अप्लाई कर दो, वो कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, आपके पास है तकरीबन 10 मिनट, शुरू हो जाओ जल्दी से, CV नहीं बनाई तो अभी बना लो, मसला क्या, बल्कि एक मिनट छोड़ो, थोड़ी सी चीजें और पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद आराम से बैठ के कर लेना, देखो कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, विजुअल बॉडी स्टूडियो का फीचर है ये, क्या फीचर है, आपके सामने पर्पल लिखा हुआ नजर आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा, माउस को सिर्फ पर्पल के ऊपर लेकर जाओ,
क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ होवर किया। बताया था ना होवर क्या होता है, माउस को सिर्फ लेकर जाना, क्या कहलाया जाता है, होवर कहलाया जाता है। माउस को लेकर गया, कलर चार्ट जो है वो खुल गई आपके पास। अब यहाँ पे मैंने उसको बोला भाई मुझे पर्पल कलर नहीं चाहिए, मुझे कौन सा कलर चाहिए। अभी देखो यहाँ पे पर्पल लिखा हुआ आ रहा है, गौर से देखना, यहाँ पे पर्पल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे जाता हूं और सेलेक्ट करता हूं इसको ग्रीन, मीठा मीठा मदनी कलर, ठीक है भाई। यहां पे हमने क्या किया, ग्रीन कलर का एक कलर ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से निकलता हूं बाहर, जहां पे पर्पल लिखा हुआ नजर आ रहा था, तो क्या वहां पे ग्रीन लिखा हुआ नजर आएगा या नहीं? आएगा ना, मैं भी ये बोलता हूं और आप भी ये बोलते हैं आएगा। अरे भाई इसको क्लिक कर दें और यहां पे छोड़ देते, ये क्या आ गया भाई, ये नंबर आ गया। नंबर में क्या लिखा हुआ है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। दुनिया में जितने भी कलर्स हैं वो सब किससे मिलके बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू से मिलके बनते हैं। MCQs का क्वेश्चन है, थोड़ी सी गैरत हो तो लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूं कि जो कलर है यहां पे, एक पे आ रहा है 0, एक पे आ रहा है 128 और एक पे आ रहा है 32। वैल्यूज आज तक मैंने याद नहीं करी, वैल्यूज आज तक आप भी याद नहीं करेंगे। मिनिमम वैल्यू होती है 0, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है 255। क्या वैल्यू है भाई, 255। 0 कर देंगे तो वो कलर बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, 255 कर देंगे तो वो कलर क्या हो जाएगा, बहुत डार्क हो जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं? ये RGB लिखा हुआ है, RGB के अंदर 0 लिखा हुआ है, क्या हुआ है, 0 हुआ। कॉमा लगाते लिखा हुआ 128, मकदार है, किसकी मकदार है, ग्रीन की। आगे जाते लिखा हुआ है 32, किसकी, हल्का सा कलर है बिल्कुल, जिसकी मकदार कितनी है, 32। रिफ्रेश करके अगर देखें तो यहां पे ये कलर अप्लाई हो गया। अगर एक काम करूं कि मैंने यहां पे आके, ठीक है, यहां पे आके मैंने क्या किया, इन तीनों पैरामीटर्स को हटा दिया, यहां पे मैंने लिख दिया 0, यहां पे मैंने लिख दिया 0, आके मैं लिखता हूं 255, तो कौन सा कलर बनेगा, यहां पे मैं लिख दिया 255, बन गया ही है। रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया, कलर बनाने आए या नहीं बनाने आए, इस तरीके से बनाते हैं कलर, ठीक है। तो कलर कितने देख लिए, 2 देख लिया, एक तो कलर नेम देख लिया और दूसरा क्या देख लिया, RGB वैल्यूज देख लिया। क्या देख लिया भाई, RGB वैल्यूज। जहां पे बात RGB की होती है ना, वहां पे बात दूसरे कलर्स की भी होती है, और दूसरे कलर का नाम होता है, एक का नाम होता है CMYK। यहाँ पे अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर बैठा हो, कितने बैठे हुए ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे, एक बैठा हुआ है पीछे से, बस 2 बैठे हुए यहाँ पे। मतलब उन लोगों को कलर से अच्छी तरीके से खेलना आता होगा, उनको ये भी पता होगा कि कलर किस तरीके से दिए जाते हैं, CMYK से भी दिए जाते हैं, HSL से भी दिए जाते हैं और हेक्स कोड से भी दिए जाते हैं। बहुत से लोगों को ये बातें पता होंगी और बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। हमें कितनी बातें पता लगी अभी तक, सिर्फ 2, एक कलर नेम और दूसरा RGB वैल्यूज। हेक्स कोड क्या होते हैं, आपने शायद एक कलर स्टार्ट होता हुआ देखा होगा हैश से, कोड होते हैं वो। जैसे कि मैंने यहां पे आके RGB को हटा दिया और यहां पे मैंने क्या लगाया, मैंने लिखा हैश FFFF, कौन सा कलर बन गया, ये व्हाइट। अगर मैं इसको हटा देता हूं 0000, कौन सा कलर बन गया, ये ब्लैक बन गया। रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया, ये क्या ब्लैक हुआ, ये बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, कितने लगा दिए, 3 डाल दिए, हाँ सही है भाई। तो ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छी लगती है थीम, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अच्छा भाई ये बात समझ आ गई है। तो ये जो हैश से स्टार्ट होने वाले कलर्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हेक्स कोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खुदा के वास्ते लिख लो, क्या बोलते हैं? अब मालूम करना है कि ये हेक्स कोड जो हैं, ये कहां से मिलेंगे। न्यू टैब पे जाओ, यहां पे लिखो कलर पिकर। क्या बोलो? कलर पिकर। ये आ गया आपके सामने गूगल का कलर पिकर। ठीक है, यहां पे देखो कौन सा कलर हो रहा है, रेड हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, ये लिखा हुआ है हेक्स, लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जो रेड का हेक्स कोड है वो क्या है, EB3734। याद करने की जरूरत नहीं है। बोले अगर आप हेक्स लगाना चाहते हो तो ये लिख लो, अगर आप RGB लगाना चाह रहे हो तो ये लिख लो, अगर आप CMYK लगाना चाह रहे हो तो ये लिख लो, अगर आप HSV लगाना चाह रहे हो तो ये लिख लो, और अगर आप HSL लगाना चाह रहे हो तो HSL का मतलब क्या अलग रहा है? ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। पिक्चर एडिट करते हो अपनी? करते हो ना, ऐसे तो लगाओगे नहीं। तो वहां पे क्या होता है? ह्यू होती है। क्या होती है? सैचुरेशन होती है। आज समझ आ रही है? और क्या होता है? लाइटनेस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट करें इसको, इसको ब्राइट करें। आज समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब HSL कलर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? इसको हटा दो यहां से, यहां पे लिखो HSL, आ गया HSL, यही बता रहा है ह्यू सैचुरेशन लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या दे सकते हैं, ये भी कलर दे सकते हैं। लेकिन हम यहां पे ये क्या करते हैं, एक और चीज नहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, एक काम ये करते हैं कि RGB रहने देते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं ये हो रहा है। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि वो चीज ट्रांसपेरेंट हो जाती है, नजर नहीं आ रही होती है। ट्रांसपेरेंट अगर हमें कोई चीज बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर है, इसके नीचे आपने लिख दिया OPACity, ओपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको? ओपेसिटी। ये आपके भाई ने लगा दिया ओपेसिटी। ओपेसिटी सिर्फ दो होती है, कितनी होती है भाई? एक होती है जीरो और दूसरा होता है वन। क्या होता है भाई? जीरो और वन। जीरो कर दोगे तो बिल्कुल खत्म, वन कर दोगे तो बिल्कुल सॉलिड। आज समझ आ रही है? लेकिन जीरो और वन के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज होती है, 0.1, 0.2, 3.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10. 0.10 होता है नहीं होता? नहीं होता, फिर वन आ जाता। गलत बोल रहा हूं, बता भी नहीं रहे तुम लोग, खुश बैठे हो बिल्कुल सारे। हाँ, अब यहां पे लिख देते हैं जीरो, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ ऊपर ब्लू, ओपेसिटी देती जीरो। क्या मतलब हो गया इसका, कलर क्या होगा? ये देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि कलर भी क्या था, व्हाइट। कलर व्हाइट दिया हुआ था ना, और बैकग्राउंड कलर को भी मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। आज समझ आई? अब यहां पे हम इसको बोलते हैं कि भाई ओपेसिटी आपकी 0.6 हो जाए, क्या होगा? थोड़ा सा डार्क होगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, हो रहा है नजर, आ रहे नहीं आ रहा? समझ आ रहे? इसको क्या बोलते हैं? ओपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ओपेसिटी। इसको आप अलग से भी दे सकते हो, उसको आप साथ भी दे सकते हो। साथ से मुराद ये कि जो RGB लिखा हुआ है ना, RGB के आगे लगा दो A। क्या लगा दो? A4 होता है अल्फा। क्या होता है भाई? अल्फा। RGB तो एक्सेप्ट करेगा रेड ग्रीन ब्लू, A क्या एक्सेप्ट करेगा? ओपेसिटी। अब यहां पे अगर मैंने चार चीजें दी हैं तो 255 के बाद कॉमा लगा सकता हूं मैं, और मैं इसको बोलता हूं 0.9, डार्क हो जाएगा ये? रिफ्रेश करके देखते हैं, हो गया डार्क? इसको मैंने बोला 0.3, रिफ्रेश करके देखते हैं, हो गया काम? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? जहां पे काम किया आरजीबी ए का, वहां पे काम कर सकते हैं HSL ए का। अब ये सारी चीजें जो इतनी मैंने पढ़ाई हैं, कुछ अंदर आ गई होंगी और कुछ बाहर गई, ऊपर से गई। तो वीडियो पढ़ी हुई है तो देखनी है, वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है? आवाज नहीं आ रही है? देखनी है, जरूरत है? है। अब एक काम ये करते हैं, ये जो इतनी सारी चीजें पढ़ी है ये कहां से पढ़ी है? ये पढ़ी हुई हमारी HTML & CSS की बुक।
चैप्टर नंबर 10 गए यहाँ पे बता रहे ये सीएसएस क्या होती है, हमने बोला बाप को मत सिखा, ये बता रहे यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस, क्या हमें पता ही है नहीं बोलो यार क्या हो गया, पता है ये बताओ, ये हमें पता ही है नहीं इंटरनल सीएसएस, इसके बाद क्या आना चाहिए, इनलाइन आना चाहिए, एक्सटर्नल इसने शुरू में बता दी, फिर दूसरे में इसने इंटरनल बता दी, और तीसरे में क्या बताना चाहिए, लेकिन नहीं बता रहा, आपके भाई ने बता दिया, बात समझ आई या नहीं आई। एक सवाल करता हूं, एक कलर मैंने एक्सटर्नल में जाके चेंज किया, H1 को बुलाया, H1 का कलर एक्सटर्नल में जाके पिंक कर दिया, उसी H1 के अंदर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट भी लगा दिया, बात समझ आ रही है, वहां पे कलर पिंक दिया हुआ था, इनलाइन के अंदर मैंने कलर ब्लू दे दिया, एरर आएगा पिंक कलर आएगा या ब्लू कलर आएगा, एक्सटर्नल वाली अप्लाई होगी या इनलाइन वाली अप्लाई होगी, इनलाइन वाली अप्लाई हो जाएगी, क्यों भाई, एक पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक पानी पड़ा हुआ है वहां पे, पीना तो पानी है ना, ये उठाऊंगा वो उठाऊंगा, तो यहाँ पर भी यही बात है सारी, वहां पे भी कलर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी कलर अप्लाई हो रहा है, तो जब करीब होगा हम उसके पास जाएंगे, बात समझ आ रही है या नहीं, तो ये चीज करके भी देख लेना, पता लग जाएगा, अगर गलत हो तो आगे मेरा गरेबान नहीं पकड़ना, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, ठीक है। अच्छा बिस्मिल्लाह, अब बात ये करते हैं सीएसएस सिलेक्टर क्या चीज है, ये सिलेक्टर बताया था टैग होता है, वहां पे चले जाए तो क्या हो जाता है, सिलेक्टर क्या ले जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ये, कितने हैं ये, नहीं पढ़ाता मैं, 2 साल के अंदर मैंने किसी भी बैच को नहीं पढ़ाया ये, लेकिन स्टूडेंट को आ भी जाता है, पूछो कैसे, दे देता हूं पढ़ने के लिए, आज समझ आ रही है, और फिर किसी भी रैंडम स्टूडेंट को यहां पे बिठाता हूं और बोलता हूं कि करके दिखाओ, 8 है ना ये, पूरे लैब के अंदर से 8 बच्चे उठेंगे, 8 बदनसीब बच्चे उठेंगे, यूं बोलो, बात समझ आ रही है, और वो आके यहां पर बैठेंगे और पूरी क्लास को समझाएंगे कि भाई ये यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ा था मैंने, ये होता है, वो खत्म हो जाएगा, दूसरा बंदा आएगा वो बताएगा टाइप सिलेक्टर ही होता है, तीसरा बंदा आएगा क्लास सिलेक्टर ही होता है, आईडी सिलेक्टर ही होता है, लेकिन इतना भी बेरहम नहीं हूं मैं, इतना बेरहम, अरे बोल तो दो, नहीं हूं मैं, काम आसान करता हूं तुम लोगों का, करूं या नहीं करूं, क्या करूं, काम आसान करते हैं, पहला क्या दे रहा था ये यूनिवर्सल सिलेक्टर, हम इसको क्या पढ़ते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्या पढ़ते हैं भाई, बोलो ना यूनिवर्सल, इसको कर दिया कमेंट, ठीक है, इसको भी कर दिया कमेंट, इसको भी कर दिया कमेंट, इसको भी कमेंट कर दिया, index.html पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं हो रहा, यूनिवर्सल सिलेक्टर हमें ये कहता है कि सर आप यहाँ पे आओ, कहाँ पे आओ, style.css के अंदर आओ, एक चीज लगाओ जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली अप्लाई होगा, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, बात समझ आ रही है, क्या करेंगे, स्टेरिक लगाया, इसके आगे ये कर्ली ब्रैकेट लगाए और बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने ब्लैक, रिफ्रेश करके देखेंगे पूरा ब्लैक हो गया, यूनिवर्सली काम हो गया या नहीं हो गया, हो गया, हम इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सली जितना भी आपके फॉन्ट कलर होंगे उन सब का कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, क्या हो जाए भाई, व्हाइट हो जाए, रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया या नहीं हो गया, ये कौन सा सिलेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल, बात समझ आ गई, एक सिलेक्टर तो हंसते खेलते खत्म हो गया, दूसरे सिलेक्टर पे आ जाओ, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, टाइप सिलेक्टर, इसको कर देते हैं कमेंट, टाइप सिलेक्टर में बात ऐसी है कि देखो यहाँ पे एक एंकर का टैग है और इतने सारे क्या है H1 है, आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे 2 H1 है और एक एंकर का टैग है, 2 अलग अलग चीजें, मैं चाह रहा हूं कि दोनों के ऊपर सेम चीज अप्लाई हो जाए, बात समझ आ रही है, क्या करेंगे, स्टाइल.css में जाएंगे, पहला तरीका ये है, सबसे पहले बुलाओ H1 को,
एच वन को बुलाओ और इसका कलर जो है वो क्या कर दो, ब्लू कर दो। क्या कर दो भाई, ब्लू कर दो। रिफ्रेश करके देखते हैं, हो गया कलर ब्लू। अब एंकर का भी कलर ब्लू करना है, क्या करेंगे, ए दबाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश करके देखते हैं सबका कलर ब्लू हो गया। तरीका सही नहीं है, एक तरीके से तरीका सही भी है और दूसरे तरीके से तरीका गलत भी है। काम क्या गलत है, काम गलत यह है कि सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, दो चीजों को फिर अलग अलग क्यों लिखे जब सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। हम एक काम करते हैं कि इस एंकर के टैग को यहां से कमेंट कर देते हैं या हटा देते हैं, और ये एच वन लिखा हुआ है इसी के बाद लगा दो कॉमा और यहां पे डाल दो ए। बात समझ आ गई, रिफ्रेश करके देखते हैं कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं कि भाई ये जो कलर है इसको ब्लू को हटा के हम यहाँ पे कर देते हैं पर्पल, हो गया या नहीं हो गया। तो अब मुझे ये वो बताओ कि वो ए को, एच वन को, एच टू को अलग अलग लिखूं या फिर जब सेम ही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो कॉमा से क्यों ना कर लूं। जब कॉमे की बात आ जाती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टाइप सेलेक्टर है ये। क्या है ये, टाइप सेलेक्टर है। तो आपके भाई ने कितनी चीजें पढ़ा दी है, ये दो पढ़ा दी है। दो चीजें और आसान कर देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। आईडी की तो पहचान आपको हंसते खेलते पता है, दरवाजे पे खड़ा हूँ मैंने, यहाँ पे आके बोला रोल नंबर 21 आ जाए, सारी क्लास बैठी रहेगी सिर्फ और सिर्फ 21 उठ के जाएगा। लेकिन दरवाजे पे खड़ा हूँ मैंने बोला कि क्लास नमाज के लिए आ जाए, पूरी क्लास उठ के नमाज के लिए चली जाएगी। फर्क वाजे हो रहा है, आईडी जो है एक को देंगे, क्लास जो है पूरी क्लास को देंगे। बात समझ आ रही है, यहाँ पे बात यह भी है कि अगर आईडी एक को एबीसी दे दी तो दूसरे को एबीसी नहीं दे सकता। क्लास अगर एक एबीसी दे दी मैंने किसी एक स्टूडेंट को, तो एक को क्या, दो को क्या, हजारों को भी एबीसी दे सकता हूं। बात समझ आ रही है या नहीं, हंसते खेलते इसको काम शुरू करते हैं कि हमने इसको किया, कर दो कमेंट। ठीक है, यहां पे आओ, इस एच वन को जाके एक आईडी दे दो, आईडी दे दो एबीसी। ठीक है, इसको आईडी दे दो एबीसी टू, दोनों अलग अलग हो गई है नहीं हो गई है। यहां पे जाते हैं, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे आईडी को कॉल करने के लिए, अरे बोलो हैश, ये लगा दिया हैश और उसके आगे क्या लिख दिया, एबीसी। एबीसी का हमने बोला कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया या नहीं हो गया, किसका हुआ, सिर्फ आईडी का हुआ, दूसरी वाली भी आईडी देनी। हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टू कर दिया। रिफ्रेश करके देखा हो गया काम या नहीं हो गया, भाई सेम कलर अप्लाई हो रहा है। क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कॉमा लगा देंगे। कहां पे लगा देंगे, एबीसी के बाद गए और यहाँ पे कॉमा लगा के क्या करेंगे, हैश के साथ, किसके साथ, हैश के साथ एबीसी टू। अभी जो कलर येलो हो रहा था इस कलर को क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया या नहीं हो गया, आसान या मुश्किल। ये था आईडी, ये था आईडी, इसको कर दिया हमने कमेंट। बात करते हैं किसकी, क्लास की। आईडी को हटाया, अच्छा हटाता नहीं हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। और यहां पे आके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये जो आईडी थी इस आईडी को हमने हटा दिया और यहां पे क्या लिख दिया, क्लास। इसको क्या कर दिया, क्लास। एबीसी टू को हटा के एबीसी कर सकता हूं, बोलो कर सकते हैं। अगर मैं क्लास इसको दे रहा हूं तो क्या मैं इस एंकर को भी क्लास दे सकता हूं, क्या दे दी, एबीसी दे दी, तीनों को दे दी है। यहां पे जाते हैं, क्लास जब भी कॉल होती है किससे होती है, डॉट से होती है, किससे होती है भाई, डॉट से। आईडी किससे कॉल हो रही थी, क्लास किससे कॉल हो रही है, ये लगा दिया डॉट एबीसी। बात समझ आई या नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने क्या कर दिया, पिंक। बात समझ आ रही है, रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया या नहीं, किस किस का हुआ, तीनों का हो गया। बात समझ आई, कितने करा दिए मैंने, कितने करा दिए, चार। आगे के चार हैं हलवे हैं, कुछ भी नहीं है, ये पढ़ के आना। बात समझ आ रही है या नहीं, असाइनमेंट क्या है, सीवी लिस्ट नेस्टेड लिस्ट का जो असाइनमेंट दिया था, तीनों असाइनमेंट पढ़े हुए, बना दो बेहतरीन तरीके से सीएसएस से, पूरा गोला गंडा बना दो, चुपका दो। बात समझ आ रही है नहीं, मैं देखता हूं शाम को ग्रुप में रात को कि कितने लोगों ने इसको रंगीनिया से भरपूर बना दिया। ठीक है भाई, कोई बात बुरी लगी हो तो
बर्दाश्त करना, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा एक आखिर में हमारे YouTube वाले दोस्त भी तो हैं, हमें एक आवाज में बोलना है कि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, मैं बोलूंगा कि वीडियो पसंद आई तो आप लोग बोलेंगे, ठीक है, तो के बाद आप लोग बोलेंगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है भाई, स्टार्ट करें, 3 2 पिल्ले को ही नहीं बोलने वाला। ठीक है भाई, बोल दोगे मुझे पता है, इसलिए मैं 1 2 3 बोलूंगा। ठीक है, 1 2 3 चैनल नहीं, वीडियो पसंद आई तो भाई आप लोग समझ गए सही। ठीक है, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।